हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, फिर पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। राइट, तो पॉइंटर को सीखने से पहले आप ये देखिए कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इंट एक्स इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर उसके नीचे लाइन में हमने एक्स में एक वैल्यू 5 असाइन की है। तो जब हम अपने प्रोग्रामिंग में इतना काम करते हैं, दो लाइन में लिखते हैं, तो क्या होता है कि उस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है। वो जो वेरिएबल होता है उसको मेमोरी रैम में मिलती है। तो मान लीजिए कि ये वो वेरिएबल है जिसको रैम में मेमोरी मिली है, तो ये जो ब्लॉक है यही ब्लॉक मेमोरी का काम करता है। राइट, और रैम में नॉर्मली मेमोरी मिलती है। तो इस जो ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का कुछ नाम होगा जो हमने डिक्लेरेशन के टाइम पर यहां पर रखा है। यहां पर हमने इस ब्लॉक का नाम एक्स रख दिया है, तो एक्स नाम का ये जो ब्लॉक है वो क्रिएट हो जाएगा। एक ब्लॉक क्रिएट होगा और उसका नाम क्या होगा, एक्स होगा। तो राइट, फिर बात आती है सेकंड लाइन में, देखिए हमने एक्स में 5 असाइन किया हुआ है। तो ये जो 5 हमने असाइन किया, वो जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उस ब्लॉक में 5 जाके असाइन हो जाएगा, 5 जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक की वैल्यू है, तो जो 5 है उसे हम ब्लॉक की वैल्यू कहते हैं, वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, या हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी बोल सकते हैं। राइट, उन सबके अलावा एक तीसरी चीज होती है, देखिए एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। जो भी रैम होती है, जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रैम मेमोरी मिलती है, तो जिस पोजीशन पर रैम मेमोरी मिलती है उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। तो ये जो 1000 हमने यहां पर लिखा है वो इस वेरिएबल का एड्रेस कहलाता है। राइट, एड्रेस बोले या रेफरेंस बोले, दोनों सेम ही चीज है, एड्रेस ऑफ द ब्लॉक या रेफरेंस। राइट, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है यहां पर। ओके, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि अब हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसका हम किस तरह से यूज करते हैं। राइट, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए देखिए मैं यहां पर कोडिंग कर रहा हूं। मैं लिखता हूं इंट, फिर एक स्ट्रिच सिंबल लगाएंगे, इसे हम बोलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और इसे इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बोला जाता है। राइट, तो आप ये सिंबल लगाएंगे और फिर कोई भी वेरिएबल देंगे, लेट से हमने यहां पर पी दे दिया है। तो जब हम ये सिंबल लगा देते हैं, स्ट्रिच सिंबल, किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले, तो वो पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। तो यही तरीका है कि हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम उसका डेटा टाइप इंट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम फ्लोट टाइप का या कैर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप को यहां पर लिखेंगे, फिर ये सिंबल लगाएंगे, स्ट्रिक्ट सिंबल लगाएंगे और फिर कोई भी वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो जो जब हमने ऐसा किया तो एक ब्लॉक फिर से मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, उसको रैम में मेमोरी मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि ये वाला ब्लॉक क्रिएट हुआ है जिसका नाम पी है। राइट, हमने यहां पर नाम पी रखा हुआ है। ओके, तो देखिए जब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ तो फिर से वही सारी चीजें इस ब्लॉक के साथ भी होंगी। जैसे जब हमने एक्स ब्लॉक को डिक्लेयर किया था तो उस ब्लॉक का नाम था, उस ब्लॉक का एड्रेस था और उसमें हमने जो वैल्यू रखी थी। तो अभी तो हमने इस पॉइंटर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रखी नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो मान लीजिए इसका एड्रेस 2000 है। राइट, तो ये इतना हो गया। तो ये बात हमें समझ में आई कि हम किस तरह से पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं। राइट, तो ये एक स्पेशल डिक्लेरेशन होता है जिसको डिक्लेयर करने से पहले हम सिंबल, एक मल्टीप्लिकेशन जो ये सिंबल होता है उसे हम यूज कर लेते हैं। राइट, फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूं,
का एड्रेस असाइन करना चाहता हूं, राइट। तो एड्रेस को असाइन करने के लिए देखिए पी का एक्स का एड्रेस क्या है, एक्स का एड्रेस है 1000 यहां पर। तो अगर हम चाहते हैं कि जो एक्स का एड्रेस है 1000 वो पी में चला जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एक्स। यस, जो ये सिंबल आप यहां पर देख रहे हैं इसे बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर जो होता है, ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये सिंबल इसे हम पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। इसको काम करने के लिए अपने एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, राइट। क्योंकि देखिए यहां पर इधर हमने लिखा एड्रेस ऑफ एक्स, तो यहां पर एक ही ऑपरेंड है, राइट। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, जो हमने अभी अभी वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल का वो एड्रेस रिटर्न करता है। जिस भी वेरिएबल के आगे हम ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। यहां पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक्स का एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो पी में असाइन हो रहा है, राइट। एड्रेस को हम रेफरेंस भी बोलते हैं, ओके। तो यहां पर देखिए आप, जब हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही यूज करेंगे, हम कोई कांस्टेंट नहीं लिख सकते, हम एड्रेस ऑफ 5 ये नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना कि ये वेरिएबल है, राइट। तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ समझिए, जब हमने पी में एक्स का एड्रेस असाइन कर दिया है, तो पी में क्या चला गया, एक्स का जो एड्रेस है, एक्स का एड्रेस क्या है 1000। तो एक्स का जो 1000 एड्रेस है वो पी में स्टोर हो गया है, राइट। इस तरह से कुछ सिचुएशन हो गई होगी। तो फिर क्या होगा, पी इस एक्स को पॉइंट करने लगता है। हम ऐसा बोलेंगे कि पी अब इस एक्स को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पी में एक्स का एड्रेस रखा हुआ है, राइट। ओके, एक बात और यहां पर समझिए आप, जो हमने यहां पर सिंबल यूज किया है ये वाला, इसे बोला जाता है इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, राइट। जिस तरह से हम इस सिंबल को यूज कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसी तरह से इसे बोला जाता है इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, राइट। और ये भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है, ओके। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, और आई होप कि भी डाउट नहीं होगा आपको, राइट। तो अब इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, ओके। तो हम सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, हैश इंक्लूड, ओके। फिर कोनियो डॉट एच, फिर मैं बनाता हूं मेन फंक्शन। अब मैं एक इस मेन फंक्शन में एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जिसमें हम कोई वैल्यू 5 रख देते हैं। फिर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूं इंट टाइप का, तो जो पी एक पॉइंटर वेरिएबल इस तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया है। फिर मैं पी में क्या कर रहा हूं, एक्स का एड्रेस रख रहा हूं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए पी में एक्स का एड्रेस असाइन हो गया है। अच्छा, पॉइंटर के बारे में सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है, एक्स का टाइप क्या है, इंट। तो जिस टाइप का पॉइंटर होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है। यहां पर जो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया उसका टाइप इंट है और एक्स का टाइप भी इंट है, इसलिए ये असाइनमेंट पॉसिबल है। अगर आप सोचें कि हम पॉइंटर डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का और उसमें किसी अदर डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करें, तो ये गलत है। अगर पॉइंटर इंटीजर टाइप का है
और आप किसी भी फ्लोट या कैर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस उसमें असाइन कर रहे हैं। जैसे आपने यहां पर एक डिक्लेयर किया फ्लोट एफ, राइट। तो फ्लोट एफ जब यहां पर आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप अगर सोचे कि एफ पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ एफ रख दें तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है उसी टाइप के वेरिएबल की वैल्यू का एड्रेस रख सकता है, ओके। तो इस तरह से पी में क्या आ गया, एक्स का एड्रेस आ गया है, राइट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। तो हमने लिखा एक्स इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एक्स, तो इस प्रिंट ऑफ के चलने से एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूं, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूं, बैक स्लैश एन कॉमा पी की वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूं। देखिए पी की वैल्यू क्या है, पी में क्या है, एक्स का एड्रेस। और जो एड्रेस होता है वो नॉर्मली एक लॉन्ग नंबर होता है, जीरो से स्टार्ट, जीरो से एक लॉन्ग नंबर तक हो सकता है। इसलिए हम यहां पर परसेंट डी ना यूज करो, परसेंट यू यूज कर लें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करा रहा हूं परसेंट डी कॉमा स्ट्रिप पी जी। अब इसको समझिए हमने क्या किया है, यहां पर जब हम कभी भी जिस वेरिएबल में किसी दूसरे जिस पॉइंटर में हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, अगर उस पॉइंटर के आगे यहां पर देखिए अगर हम ये स्ट्रिक सिंबल लगा दें, ऐसे लिख दें स्ट्रिक पी, तो ये एक्स के बराबर हो जाता है। एक्स के बराबर हो जाता है मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, फाइव। तो अब इसकी वैल्यू भी फाइव हो जाएगी, यस। तो अगर हम पॉइंटर का यूज करके एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम स्ट्रिक सिंबल को डी रेफरेंशियल ऑपरेटर भी बोला जाता है, डी रेफरेंशियल। ये जो एक्स में वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम पॉइंटर के पहले ये स्ट्रिक सिंबल यूज कर लेते हैं तो ये उस ब्लॉक में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करता है जिस ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा है। यहां पर इस सिचुएशन में ये पी पॉइंटर एक्स को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो एक्स में जो वैल्यू होगी ऐसा कर देने से वो एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये एक्स के बराबर है, ये दोनों चीजें सेम है, राइट। ये दोनों चीजें सेम है, आप एक्स लिखें या स्ट्रिक पी, दोनों चीजें सेम है। तो अगर मैं यहां अब फाइनली गेट सी एस लगाऊं और इसको प्रोग्राम को रन करूं और मैं क्लियर स्क्रीन भी यूज कर ले रहा हूं, देखिए तो सबसे पहले इस प्रिंटअप की वजह से एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर यहां पर देखिए पी की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो पी में क्या है, एक्स का एड्रेस है। अच्छा एक हम और प्रिंटअप यूज कर रहे हैं यहां पर, देखिए परसेंट यू एंड बैक स्लैश एन कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। नॉर्मली आप जानते हैं हम प्रिंटफ फंक्शन में ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर एड्रेस ऑफ लगा देने से एक्स के पहले क्या हुआ कि जो एक्स का एड्रेस है वो प्रिंट होगा, और एक्स का एड्रेस हमने यहां पर भी पी में असाइन किया है। तो जो ये दोनों प्रिंटफ हैं इनकी वजह से जो आउटपुट होगा वो सेम होगा। यह या तो हम डायरेक्ट ऐसे एक्स का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके, या हम पॉइंटर में एक्स का पहले एड्रेस असाइन करें और फिर उस पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करा दें। तो ये दोनों चीजें सेम है, राइट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव और रन कर रहा हूं, तो देखिए क्या हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स इक्वल्स टू 5 प्रिंट हुआ है। फिर देखिए जो बीच में हमने दो प्रिंट ऑफ लिखे थे उनकी वजह से सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। एक बार जो हमने एड्रेस ऑफ एक्स लिखा था पहली बार उसकी वैल्यू और फिर पी की वैल्यू, देखिए दोनों सेम है। इससे प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट थे
जिसमें हमने एड्रेस प्रिंट किया है एक्स का, वो दोनों सेम है। और फिर लास्ट लाइन में लिखिए, देखिए आप वो किसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, वो लास्ट प्रिंटअप की वजह से प्रिंट हो रहा है जिसमें हमने स्ट्रिक पी की वैल्यू प्रिंट कराई थी, स्टार पी। तो स्टार पी लिखना एक्स के बराबर ही हो जाता है, राइट। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम तो समझ में आया होगा, जिसमें हमने सीखा कि अगर हम इस तरह की दो लाइन लिख दें तो उसके बाद स्टार पी लिखना या एक्स लिखना दोनों बराबर हो जाता है। ओके, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम और एक चीज देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, तीन नहीं बल्कि छह वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहां पर आप देखिए। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, फिर एक पॉइंटर क्रिएट किया गया है। तो क्या हुआ, अगर हम पी में ए का एड्रेस रख दें, ऐसा कर दें, तो देखिए हमारे ऐसा लिखने से क्या हुआ कि पी में ए का एड्रेस चला गया है। देखिए हमने यहां पर सिक्स वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो सिक्स मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गए रैम में। तो इस कुछ इस तरह से ए पी देन ये बी देन क्यू सी एंड आर, ये छह वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। तो जो ए वेरिएबल है उस वो 2 बाइट का होगा। अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें, इस समय हम टर्बो पे कोडिंग कर रहे हैं, तो जो टर्बो पे हम कोडिंग करते हैं तो उसमें जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है वो 2 बाइट का होता है, राइट। इसी तरह से जो फ्लोट वेरिएबल होता है वो 4 बाइट का होता है, राइट। या जैसे यहां पर हमने बी वेरिएबल क्रिएट किया है तो ये 4 बाइट का होगा, और जो कैरेक्टर होते हैं वो 1 बाइट के होते हैं। जैसे यहां पर हमने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो 1 बाइट का होगा, और जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो किसी भी टाइप के हो, हमेशा 2 बाइट की मेमोरी 2 बाइट की मेमोरी वो कंज्यूम करते हैं, राइट। तो जो हमने यहां पर अभी लाइन लिखी ये पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ऐसा करने से पी में ए का एड्रेस चला गया है। तो देखिए ए में 2 बाइट है, तो 2 बाइट में पहली बाइट का अगर एड्रेस 1001 है तो दूसरी बाइट का एड्रेस 1001 होगा, राइट। और जब हम पी में एक एड्रेस असाइन करते हैं तो जो पहली बाइट का एड्रेस होता है वो एड्रेस इस पॉइंटर में चला जाता है, और इस पॉइंटर का भी कुछ एड्रेस होगा, उसके बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देखिए इसे हम बोलते हैं बेस एड्रेस, यस, जो पहली बाइट का एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं बेस एड्रेस। इसी तरह से अगर हम क्यू में क्यू इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी रखें, ऐसा करें तो क्या होगा, क्यू में बी का एड्रेस चला जाएगा। बी जो वेरिएबल है वो 4 बाइट का होगा, तो उसकी पहली बाइट का एड्रेस अगर 2001 है तो दूसरी बाइट का एड्रेस 2001, तीसरी का 2002 और चौथी बाइट का एड्रेस 2003 होगा, राइट। तो जो क्यू में एड्रेस जाएगा वो जो पहली बाइट है उसका वो एड्रेस जाएगा। यहां पर पहली बाइट का एड्रेस 2000 है तो यहां पर 2000 क्यू में स्टोर हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल के जो पहली बाइट का एड्रेस होता है उसे हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस, उसे हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं। ओके, तो ये बात हमें समझ में आई। इसी तरह से अगर हम तीसरे टाइप की बात करें और अगर हम आर में एड्रेस ऑफ सी रख दें तो सी का एड्रेस आर में चला जाएगा, क्योंकि अब सी एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो एक ही बाइट का होता है, तो जो भी उस बाइट का एड्रेस होगा वही बेस एड्रेस होगा, और वही बेस एड्रेस इस आर नाम के पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। और पॉइंटर के बारे में एक सबसे बड़ी बात जो हमने बताई कि पॉइंटर जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और जब भी हम पॉइंटर के पहले स्टार
स्ट्रिक जो ये इनडायरेक्शनल ऑपरेटर है स्टार सिंबल, ये अगर यूज कर देते हैं तो वो उस ब्लॉक में रखी हुई वैल्यू जो है उसके बराबर हो जाता है, या आप कह लीजिए कि वो वेरिएबल के बराबर हो जाता है। जो वेरिएबल का, जो वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन किए होते हैं वही स्ट्रिक वेरिएबल की, स्ट्रिक पॉइंटर अगर हम लिखेंगे उसकी भी वैल्यू हो जाएगी, जो अभी हमने आपको एक पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, राइट। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें फंक्शन हम यूज करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जब आप प्रोग्रामिंग करना इसमें चालू करेंगे तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट और इजी लगने लगेगा, राइट। तो अगले वेरिएबल, अगले हम क्लास में पॉइंटर के बारे में कुछ और बातें करेंगे। सो थैंक यू।